सीरियसली कसम से बता रहा हूं मैं, इतना अच्छा लगा मुझे देख के ये. हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल. और आज का जो ये वीडियो है वो काफी स्पेशल है, क्योंकि ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, किसी फिल्म का गाना नहीं है, किसी एक्टर के बारे में नहीं है, किसी सिंगर के बारे में नहीं है, किसी के बारे में नहीं है, ये है हमारे नेचर के बारे में. जी हाँ, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है वो वाइल्ड कर्नाटका के बारे में है, वहाँ के जंगलों के बारे में, उसमें रहने वाले जानवरों के बारे में. ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये 3 मार्च को ही रिलीज़ हुई है. तो आइए पहले ये ट्रेलर देखते हैं उसका, उसके बाद इसके बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे. ओके, स्टार्ट. कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. More tigers and elephants than anywhere else on earth. Oh, man, kya sahi shoot kiya hua hai yaar. Oh, home to some of the richest wild planets. Oh. टाइगर. ओहो हो हो हो, क्या जगह है यार, वाह, पहली बार देख रहा हूं मैं. Oh, revealing landscape and the stories of the first ever time. The story of Southern India, largest state. Wild Karnataka. This is Wild Karnataka. ओहो, सीरियसली सीरियसली कसम से बता रहा हूँ मैं, इतना अच्छा लगा मुझे देख के. ये लोकेशन जो था झरने का, जंगल, इतने अच्छे से ये शूट किया हुआ है ना, 4K में है ये वीडियो जो है, ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो 4K में शूट किया गया है. इसको शूट करने में 4 साल लगे हैं, और इसका जो टोटल फुटेज हुआ था वो 400 घंटे का रिकॉर्ड हुआ था टोटल, उसको एडिट करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है. और इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया था 3 मार्च को बेंगलुरु में, जहाँ पे लगभग 500 टिकट्स ऑनलाइन बिके थे, और उसके बाद पर्सनल इनविटेशन दिया गया था, जो भी इससे रिलेटेड लोग थे उनको इनवाइट किया गया था. प्लानिंग है इसको बाहर फेस्टिवल्स में भेजने के लिए, और उसके बाद इसको किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स पे रिलीज़ किया जाएगा. अभी तक फाइनल नहीं है कि किस पे आएगा, तो वो बात चल रही है, तो जैसे ही कुछ होगा तो वो आपको पता चल ही जाएगा, या मैं आपको अपडेट कर दूंगा. काफ़ी अच्छा है ये कर्नाटका के जंगल के बारे में, वहाँ की खूबसूरती मतलब देखते ही बनती है. 4K में है वो, तो इस पर उतना पता नहीं चल रहा लैपटॉप पे, लेकिन जब 4K स्क्रीन पे आप देखोगे तो खैर अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. और इस पूरी फिल्म को नैरेट किया है डेविड अटेनबर्ग ने, इसको बनाया है कल्याण वर्मा ने. 4 साल दिए हैं इस फिल्म को बनाने में, और 15 तो सिर्फ कैमरामैन थे इस वीडियो को शूट करने में, 15 सिर्फ कैमरामैन थे. तो सोचो क्रू मेंबर कितना होगा. तकरीबन इस पे 2 करोड़ रुपए का खर्च आया है ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में. देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, नेचर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है. मैं ट्राई करूँगा, अभी तो ये फिल्म देखने को मिलेगी नहीं, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट पर आएगी तो मैं ये देखूँगा. मैं बेचैन हूँ देखने के लिए, इतना अच्छा से दिखाया गया है कि क्या बताऊं मैं. तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.